नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से खबर आ रही है, आपको बता दें रसोई से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली बुडेरा पुलिस ने किया जब्त। टीकमगढ़ जिले के बुडेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते हुए 9 तारीख के दरमियान सुबह से ही पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचे और वहां से पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को बुडेरा थाना लाया गया और बताया जा रहा है कि आईसर ट्रैक्टर ट्राली रसोई बताया पाया गया है, जिसको लेकर मीडिया ने जब पुलिस प्रशासन से बात करने को लेकर बात की तो उन्होंने बातों की हेराफेरी करते हुए प्रभारी द्वारा टाल दिया गया और कहा कि आप अगले दिन आना, तभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि कार्रवाई तो की गई लेकिन जब दूसरे दिन गए तो प्रभारी नहीं मिले। अवैध रेत उत्खनन परिवहन के तहत किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई, इसमें लगाई गई धारणाओं को पत्रकार साबित नहीं सकते। जी हाँ, जो इसमें धाराएं लगाई गई हैं उनको पत्रकार साबित नहीं कर सकते क्योंकि थाना प्रभारी ने पत्रकारों के साथ वार्तालाप करने से छुपते नजर आए, नहीं दी कोई भी जानकारी। जिससे आपको बता दें दो बार जाने पर ही प्रभारी नहीं मिले और वहीं थाने में उपस्थित संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इसको लेकर प्रभारी ही इसमें जानकारी दे पाएंगे। दो दिन चक्कर काटने के बाद भी प्रभारी ने अवैध परिवहन को लेकर कोई बयानबाजी पेश नहीं किया। देखना यह है कि इसकी जानकारी थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को होगी कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई या फिर रफा दफा कर छोड़ दिया गया, क्योंकि मीडिया से रूबरू नहीं हुए थाना बुडेरा के संबंधित अधिकारी। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से MP ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट।